नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। देश में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। ऐसे में लोगों को मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय अपनी जेब भरने में लगे हैं लोग। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे लोगों को शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। ऐसा ही एक मामला सदर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। अपराधी की मदद से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले MR को सदर पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से 2 रेमडेसिविर बरामद किए हैं। आरोपी मनीष विनोदराव जोशी कस्तूरी नगर बेल तरोड़ी तथा गोपाल ज्ञानी प्रसाद शर्मा जरीबटका निवासी है। उनका साथी कमलाकर उर्फ छोटू मोहताम मानेवाड़ा से फरार है। मानगापुर निवासी एक व्यापारी के कोविड संक्रमित परिजन निजी अस्पताल में भर्ती है। व्यापारी को परिजनों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। उसे मनीष के रेमडेसिविर उपलब्ध कराए जाने का पता चला। 23 अप्रैल को व्यापारी ने मनीष से संपर्क किया। उसने व्यापारी को 4,000 रूपए एडवांस गूगल पे करने को कहा। इसके बाद 57,000 रूपए की मांग की। परिजनों की जान बचाने के लिए व्यापारी तैयार भी हो गया। शनिवार को जब मनीष इंजेक्शन की डिलीवरी देने के लिए आया, तब सदर पुलिस ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा।